वहाँ पे जंगल में तो यार ये तेंदुआ वगैरह है, बहुत डेंजरस क्या है। वगैरह है? हाँ तेंदुआ है, ये ब्लैक पैंथर भी है वहाँ पे, और तो जंगली हाथी तो कहीं भी आ जाते हैं। मैं नहीं जानने वाला हूँ भाई। और जो मैं जिस भाई का बात बोल रहा था वो ये है की खबर ए अमर संजय दा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल और एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया एपिसोड 1 का। रास्ता यार बहुत दिनों बाद आया ना, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लेकिन फिर भी देखो यार, मतलब भटकने का जगह ही है एक्चुअली, क्योंकि रास्ता सेम ही है मतलब। और हम लोग ने लंच भी नहीं किया ऊपर से, ये बच्चों के लिए तो बिस्किट वगैरह लिया है, हमने कुछ भी नहीं खाया। सुबह पराठे खाए थे बस वही, फिर सोचा कि भाई के घर पर जाके हम लोग खाएंगे, बट अभी तो शाम ही होने वाला है। और रास्ता तो यार हम भटक गए थे कि और चले गए थे, क्योंकि रास्ता सारे सेम ही है और ऑलमोस्ट सेम है। और ये आप जो रास्ता देख सकते हो, आप बहुत ही प्यारा रास्ता है, छोटा सा है, और ये साइड में जंगल पहाड़, बहुत ही प्यारी जगह है। और हमने पहुंचने वाले फाइनली, और फाइनली मैं अपने भाई के घर पहुँच गया, मतलब भैया के घर पहुँच गया। और ये है चांदुबी लेक व्यू होम स्टे। आप जब भी यहाँ से आओगे, मैं आपको बता रहा था ना कि नाव से क्रॉस करना पड़ता है, तो अगर उस दूसरा लेफ्ट साइड से रोड से आओगे तो आपका वहाँ से नाव से क्रॉस करना पड़ता है। और अगर इस साइड से आओगे, हम जिस रास्ते से आए, तो यहाँ से आपको सीधा अंदर आ सकते हो, बाइक या कार से आ सकते हो आराम से। और अगर उस साइड से आओगे तो आपको नाव से बाई बोट से ही आना पड़ेगा आपको। और ये रहा चांदुबी, जो मतलब मेरे भाई का जो घर है। एंड मैं जब भी आता हूँ इसी यहीं पे रहता हूँ मैं यहाँ पे, भी आग वग लगता है ठंडे ठंडे मौसम पे, तो यहाँ पे रहता हूँ। और ये रहा ओए संजय दा। और जब मैं जिस भाई का बात बोल रहा था वो ये है की खबर ए अमर संजय दा। संजय भैया, और मैं इन्हीं का ही बात बोल रहा था, जो संजय भैया जो मेरा भाई रहता है यहाँ पे, ये उनका अपना घर है और इनका अपना रिसोर्ट भी है यहाँ पे। इनके साथ जो हमारा जो रिलेशन है बहुत ही पुराना रिलेशन है, क्योंकि भैया को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और अपने भाई के जैसा ही है, पूरा अपना ब्रदर है ये। और जब भी आता हूँ मैं इनके पास ही आता हूँ, इनके घर पर ही आता हूँ। ये जो चांदुबी जो प्लेस है बहुत ही पीसफुल प्लेस है ये चांदुबी लेक के नाम से जानते लोग। अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप चांदुबी लेक गूगल पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आके आप चिल कर सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, दोस्तों के साथ भी आ सकते हो। और यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, इतना प्यारा इन्वायरमेंट है कि आप पूरा भूल जाओ कि आपका जितना भी टेंशन वगैरह है सारा गायब हो जाएगा आपका। एंड साइकिलिंग के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे आपको, यहाँ सारे प्रोवाइड कर देते हैं उन लोग नाइट कैंपिंग के लिए। और जो भी एथनिक फूड्स है खाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। और ये है किचन, आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, तीन चार कुक रहते हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हो आप, काफ़ी सारे आइटम है यहाँ पे, और उन लोग तैयारी कर रहे हैं लंच के लिए। ये है, आप देख सकते हो चटनी वगैरह, बहुत सारे वैरायटी सब्जियाँ यहाँ पे। ये पोर्क है और चिकन फिश वगैरह भी है यहाँ पे, चटनी वगैरह है, बहुत सारे सलाद भी है, और बैंगन फ्राई वगैरह कर रहे हो लोग हमारे लिए लंच कर। तो भी फाइनल हमें एक प्लानिंग हुआ है कि हम लोग आज यहाँ पे स्टे करेंगे, रहेंगे। ऋषि क्या बोलते हो? हाँ आज यहाँ पे रहेंगे हम लोग। और मैं बोला कि आज रात को यहीं पे रहेंगे और जंगल जाएंगे, अंदर ऋषि को भी लेके जाएंगे, वहाँ पे ब्लैक मुझे जंगल नहीं जाना, वहाँ पे ब्लैक पैंथर मिलता है। तो ब्लैक नहीं सही है, मुझे ब्लैक पैंथर भी नहीं सही है। नहीं सही है।
मैं तो खा पी के आराम से यहाँ पे सो जाऊंगा। आप लोगों का कहाँ जाना है सही। मैं तो जहाँ जाना है जाओ, मैं तो घूमते रहूंगा। और एक चीज, यहाँ पे बहुत तोता है देखा है, एनी टाइम हम करते रहते हैं, बहुत होता है। और बाबली क्या करोगे तुम, क्या कहोगे? रहोगे नहीं? रहोगे। और वो क्या बोलते हैं, ब्लैक पैंथर जाएगा जाएगा जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी चीटा मिल जाएगा, देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये आवाज़ सुन रहे हो आप, ये तोते का है, बहुत रेयर है। छोटा और बड़ा, बड़ा ब्रीड का भी है, छोटा ब्रीड का भी है यहाँ पे। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी रेस्ट ले लिया है और यहाँ पे लंच भी बन रहा है विथ पोर्क के साथ। जब भी आप चांदू भी आओगे, ये जो हम शू पहनते हैं तो उसको खोल के ये एंजॉयमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अभी लंच भी बन रहा है, यहाँ पे बैठ के खाएंगे और आज रात को हम लोग स्टे करेंगे, आज नाइट कैंपिंग करके, या तो फिर हम लोग वहाँ पे रह लेंगे जो एसमिस में सांगोर बोलते हैं, हम वहाँ पे रह लेंगे। उसके बाद रात को इसके बैक साइड में, मतलब और थोड़ा दूर है, तो उस पहाड़ पे आज रात को, मतलब कि नाइट ट्रैकिंग करेंगे वहाँ पे। आपको पता ही है कि आपने जितने भी मेरे ब्लॉग्स अगर आपने देखा है, तो आप फर्स्ट सफरी जंगल में ट्रैकिंग करना मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। इससे मैं ज़्यादातर, मैं जो टाउन सिटीज़ में जो मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ या कहीं भी बनाता हूँ, उससे ज़्यादा आपको जंगल का ज़्यादा मिलेगा आपको। क्योंकि रिसेंट मेरे वीडियोस में महाराष्ट्र में भी मैंने गया था, टेंपल भी गया था, बस जंगल मिला था। आपने वो वीडियो देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं। ये जो गाँव का जो फ्रेश एक ऑक्सीजन मिलती है ना, वही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा अपना फेस दिखा रहा हूँ क्या? और ये रहा मेरा दोस्त, क्या नाम था तेरा? बकलू, बकलू, ये बकलू है। हेलो बकलू। तो यहाँ पे आप नाइट कैंपिंग देख सकते हो, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। और ये यहाँ पे उन लोगों ने कुछ उगाया, यहाँ पे पूछना पड़ेगा क्या कुछ बताया था उन्होंने। एंड खाना भी तैयार हो गया। अपना नाम तो की जीतू आगोटा नसील नो। अभी हम लंच कहेंगे या डिनर कहेंगे मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट कितना बजा है, 5:30 हो गया अभी। एंड फाइनली हमारा लंच आ गया, बहुत ही भूख लग रहा था यार, बहुत ही भूख। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे, चावल तो यार चाहिए हमें। सबके मन में खुशी यार, बहुत भूख में थे। देव भी बहुत खुश, और ये देव, हमारा देव बिहाइंड द कैमरा हमेशा रहते हैं। ये सब देख सकते हैं आइटम्स, ये देखिए दाल चावल, ये है बैम्बूज का चटनी होता है, हाँ बैम्बूज का चटनी, और ये ब्लैक कलर का जो है ये सर, ये बेहर का चटनी, और ये नींबूज, और ये है हमारा फेवरेट पोर्क, और ये है बैंगन फ्राई, और ये बनानास फ्राई, और ये सब आइटम, ये सलाद, खीरा, दाल, और ये भी आलू सब्जी बहुत सारे हैं, पपीता का, और ये है कुछ कुछ है आइटम्स यहाँ पे बहुत सारे, बस हमें खाना है बस। हाँ, जगह कम पड़ी है, बहुत सारे वैरायटीज है यहाँ पे। ये कोसू, जो हम ऐसे कोसू जो बेहर बोलते हैं, ये आलू का भट्टा को आप तो पता ही है, और ये बैम्बो का चटनी, और ये है पता नहीं कौन सा चटनी था, मुझे नहीं पता, जिसे हम कॉल दिल बोलते हैं, और ये है पोर्क, ये प्याज, दाल, बस। चलो अभी मैं खाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। देख सकते हो, छोटा सा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। रात को बैठ के चील करने का मज़ा ही कुछ और है, रिलैक्स। और यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है, मेन बात है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एयरटेल बहुत ही रेयरली मिलता है, और जियो का भी कनेक्शन बहुत ही रेयरली मिलता है। और रात को हम लोग, तो आपको बताया मैंने कि रात को हम लोग नाइट ट्रैकिंग के लिए जा रहे भी, यहाँ पे जो पहाड़ है आपको पूरा हर तरफ जंगल है, और वहाँ पे हम लोग नाइट ट्रैकिंग के लिए जा रहे भी। तो वैसा अभी देव भी आया है, देव भी सब लोग आए हैं। कैसा लग रहा बता दो? मस्त 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 लग रहा है ना वैसे, बता दो कैसा लग रहा है? एकदम मस्त लग रहा है भाई, मस्त। अरे बहुत औसम जगह ये, और इनको ऐसा एक जगह मिल गया, एक झुलना, कपड़े का झुलना मिल गया इनको, देखो। चांदूमी में आओ और ऐसा एंजॉय करो, ऐसा एंजॉय करो। ओ क्या चाहिए, मैं तो सो गया भाई, ये सो गया, मेरा नींद आ गया, मेरा आँख लग गया।
देखते गिरूंगा तो नहीं ना मैं बेपोइले दांव उठा जब बस अंदर भेगल ओह नमन नमन का नहीं होने के लिए सक्सेस 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 वाओ क्या चाहिए यार আমি বোলো ৰিচি মাতি আছো ৰিচি বোলে শুয়ে গ'ল বোলে জংগল মে তো টেন্ডুয়া বগেৰা বহুত ডেঞ্জৰ ক্যা বগেৰা হ্যাঁ টেন্ডুয়া ব্লেক পেন্থৰ ভি ওয়াপে আৰু তো জংগলী হাতী তো কহি ভি আ জাতা হে মই নাই জানে ৱালা হু ভাই बचपन का प्यार बचपन का बेस्ट बता दो सरिया लगे ना ऑसम यार ऑसम ऑसम